Postman. हमारा को खत है? है ना, बहुत महक रहा है। लगता है किसी चाहने वाले का है। किसका है? वसीम ने बर्थडे ग्रीटिंग्स भेजी हैं। बर्थडे? हाँ। किसका? हमारा। आपने कभी मैं बताया नहीं। किसी ने मनाया ही नहीं आज तक, इसीलिए याद ही नहीं रहा। तो ठीक है, हम आज मनाएंगे आपका बर्थडे। फिर तो तोहफा भी मिलेगा। जरूर मिलेगा तोहफा, लेकिन आप पैदा कितने बजे हुई थी? अम्मी कहती हैं शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे? ठीक है, आज शाम को 7 बजे आपका तोहफा आपकी नजर किया जाएगा। तब तक के लिए आफाक हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वसीम को काम से फुर्सत नहीं थी, हैदर को मोहब्बत से फुर्सत नहीं है। वसीम वक्त के हाथ में था, हैदर के हाथ में वक्त है। वाह एडिटर साहब, वक्त की पाबंदी तो कोई आपसे सीखे। आप? ये रहा आपकी सालगिरह का तोहफा। तोहफा? ये क्या मजाक है? आइए, आप ही ने तो उस कहानी का ही अंजाम तजवीज किया था। मैं कहानी नहीं, अपनी और आपकी हकीकत हूँ। नीलोफा, खफा होने का दिन नहीं, आज के दिन तो वो तोहफा भी कबूल कर लिया जाता है जो नापसंद हो। खुदा के लिए इस बात को यही खत्म कर दीजिए। उफ मेरे अल्लाह, हम आपको कैसे समझाएं? आप गलत समझ रहे हैं हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे थे नीलोफर, कि तुम वसीम को भूल चुकी हो। मगर जिस रोज तुम्हारी डायरी पढ़ी, उस रोज हमें अपनी गलती का पता चला कि तुम वसीम को कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसा नहीं है हैदर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है नीलोफर, शादी तो तुमने शरीयत की रस्म पूरी करने के लिए की थी, और फिर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि औरत अपने पहले प्यार को कभी नहीं भुला पाती, और फिर हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दो प्यार करने वालों को इस तरह तड़पता देखते रहे। नहीं, हम हमारी तरफ से तुम शरई तौर पर वसीम के साथ जा सकती हो। हमने तुम्हें आजाद किया। आजाद किया? तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? मैं तो तुम्हारी लौंडी नहीं जो तुमने मुझे आजाद किया, और ना ही तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। नीलोफर, हमारी पूरी बात तो सुनिए। सुनना तो मेरी तकदीर है, औरत हूं ना जो सदियों से मर्द की बात सुनती चली आई, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ कि जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ और ना का दखल क्यों नहीं जरूरी? नीलोफर, मैं पूछती हूँ वसीम में और आप में फर्क ही क्या है? इन्होंने तलाक गाली की तरह दी, आपने तोहफे की तरह। इन्होंने तलाक देकर अपना हक जताया, आप वही तलाक देकर अपनी कुर्बानी का एहसास दिलाना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में दांव पर तो औरत ही लगी ना, मर्द की जीत हुई, औरत हार गई। हाँ, मैं हार गई हूँ हैदर, मैं हार गई हूँ। नहीं नीलोफर, मत कहो मुझे नीलोफर। वसीम ने 3 बार तलाक 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 कहा और घर से निकाल दिया, और तुम वही 3 लफ्ज कहकर चाहते हो कि मैं वहां वापस चली जाऊं, जैसे मैं कोई पलंग हूं, जब चाह इस्तेमाल के बाद बाहर निकाल दिया। बस नीलोफर, बस। तलाक देने का हक है ना आपको, देते क्यों नहीं? आपके सामने खड़ी हूं लाचार बेबस। मारो तलाक के 3 पत्थर और निकाल दो घर से मुझे। नीलोफर, नीलोफर, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैंने आपको क्या समझा था आप क्या जाने,
मैंने तो समझा था कि अगर खुदा के बाद किसी का सजदा जायज होता तो आपका, लेकिन आप भी बस सबकी तरह मर्द ही निकले जो औरत को औरत नहीं जायदाद समझते हैं। लेकिन हैदर साहब, मैं कोई जायदाद नहीं, एक जीती जागती औरत हूं, कोई लाश नहीं जो मर्दाना समाज अपनी मर्जी से मेरी कब्रें बदलता रहे। हैदर साहब, आप मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं ही आपको छोड़ रही हूं। नीलू, मत आइए मेरे पास, आप ना महरम है अजनबी है मेरे लिए। जानता हूं, मगर मैं तो तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का एतराफ करने आया हूं, ये कहने आया हूं कि मेरी खुदगर्जी की सजा हैदर को क्यों दी जा रही है। मैंने तुम्हें चाहा अपनी खुशी के लिए, पाया अपनी खुशी के लिए, खोया अपनी खुशी के लिए, मगर हैदर ने तुम्हें चाहा तुम्हारी खुशी के लिए, पाया तुम्हारी खुशी के लिए, और आज अगर छोड़ भी रहे हैं तो तुम्हारी खुशी के लिए। नीलोफर, अगर तुम इन्हें छोड़कर चली गई तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सजा इसे नहीं, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई खुदगर्ज खाविन अपनी बीवी को शरीयत की आड़ लेके तलाक न दे सके, और तलाक 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 के ये तीन लफ्ज खुदा का कहर बन जाए। कहर तो है औरत होना, जो हमेशा डर के साए में जिंदगी काटती है, कि न जाने कब उसका चाहने वाला, उसका रखवाला, उसका शौहर उसे बेइज्जत करके घर से बेघर कर दे। अल्लाह, क्या यही है तेरा इंसाफ कि मर्द को जन्म देने वाली औरत उसी के हाथों जुल्म का शिकार हो और तू देखता रहे। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा। एक ही रास्ता नीलू, और वो है निकाह के पाक और मुकद्दस रिश्ते की कद्र करना। हैदर तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी, तुम्हें इस घर को बर्बाद करने का कोई हक नहीं। नहीं वसीम साहब, इसमें नीलोफर का कोई कसूर नहीं, अगर कोई कसूर है तो मेरा, जो भूल गया था। बीवी एक तोहफा नहीं जिसे जब चाहो किसी को दे डालो। मैंने अपनी बीवी की मोहब्बत पर शक किया, मुझे तो माफी मांगने का भी कोई हक नहीं। हैदर, इसमें भी गलती सिर्फ मेरी थी, मैंने नीलोफर को तलाक दी, गुनाह किया, उसके बाद अपनी खुदगर्जी के लिए दूसरे की बीवी को छीनने की कोशिश की, दूसरा गुनाह किया। मैंने खुदा और इंसान दोनों को बदनाम किया है। या अल्लाह, मर्द को तौफीक दे कि वो औरत की बेइज्जती ना करे, उसके दिल से तलाक का लफ्ज निकाल कर फेंक दे, और तलाक 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 की बजाय उसे प्यार 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 कहना सिखलाए।